श्री गुरुदेव बच्चों, आज का नवी कक्षा का हिंदी पाठ है समय की पहचान। इस कविता के कवि है सियाराम चेरलगो। देखो बच्चों, सियाराम चेरलगो का भाव चित्र है ये, तो हिंदी साहित्य अंतर्गत आने वाले कवि है। देखेंगे पहले हम सियाराम चेरलगो के बारे में जानते होंगे। सियाराम चेरलगो जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। माता का नाम है कौशल्या बाई और सेठ रामचरण कनकले पिताजी का नाम है। बाई हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली चेरलगुप्त के अनुज थे। हम सभी सुन सकते हैं हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि है मैथिली चेरलगुप्त। किस तरह कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत को राष्ट्रकवि होते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाले हो राष्ट्रकवि है मैथिली चेरलगुप्त। उनके अनुज थे सियाराम चेरलगुप्त अग्रज है, ये तो अनुज है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। उन्होंने सियाराम चेरलगो 3 भाषाओं को उन्होंने घर पर ही सीखा था। एक कौन सा है भाषा? गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू। एक वो 3 भाषाओं को ही उन्होंने घर पर ही सीखा था। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वारदा में रहे उन्होंने सियाराम चेरलगुप्त। महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, उन्होंने उनके साथ उन्होंने वारदा, ये तो स्थान है, ये वारदा में महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने समय बीता था। यहाँ पर चलने वाले आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। कौन? सियाराम चेरलगुप्त। इसके बाद देखेंगे रचनाएं। मौर्य विजय, अनाथ, विशाल, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी, भाको, नकुल आदि ये सियाराम चेरलगुप्त जी के रचनाएं है। पुरस्कार, उनको 3 पुरस्कार मिला है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक मिला है। ये नागरी प्रचारिणी सभा ये तो एक हिंदी संस्था है। हिंदी साहित्य में ये प्रमुख पाने वालों को, ये सिद्धि पाने वालों को ये पुरस्कार, ये संस्था दिया जाता है। ऐसे संस्था के द्वारा उन्होंने वो सुधाकर पदक को प्राप्त किया था। निधन, 29 मार्च 1963 में उनका निधन हुआ। बच्चों इतना है सियाराम चेरलगुप्त जी का परिचय। इसके बाद उन्होंने समय की पहचान माने समय का महत्व क्या है, समय को सदुपयोग करने से क्या क्या होता है, उसके बारे में इस कविता में हमें संदेश दिया है। देखेंगे बच्चों, सियाराम चेरलगुप्त बाद में राष्ट्रकवि मैथिली चेरलगुप्त उनके अनुज थे। मैथिली चेरलगुप्त सियाराम चेरलगुप्त का वो पिक्चर हम पहले ही देख चुके हैं। समय की पहचान में ये समय का महत्व के बारे में हमें उद्देश्य आशय मैंने क्या है उद्देश्य को हम जानते होंगे। हम समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है, हम सब जानते हैं समय बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। ये समय को हम सच्चा साथी माने दोस्त, ये फ्रेंड, ये समय को फ्रेंड करने से क्या होता है, हमारे काम सफल होता है। समय को सदुपयोग करने में ही हमारे काम का सफलता होती है, नहीं तो नहीं होते बच्चों। इसलिए ये समय को हमारे साथी बनकर एक काम को सफल करना पड़ता है। इसी कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए संदेश इस कविता से हमें मिलता है कि किसको समय मिलता है ये समय को बर्बाद मत करना है, नष्ट ना करना है, उसको सदुपयोग करना है। ये सदुपयोग करने से ये हमारा जीवन जीवन भी सफलता से आगे बढ़ती है। बच्चों इसके बारे में देखेंगे वो कविता का भावार्थ।
कविता का वो पहला स्टैंड है, देखो, उद्योगी को कहां नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, आलसी खरा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो और कभी कल हो या जाने। ये उद्योगी मने एक काम करने वाले है, यहाँ पर आलस मने एक काम के बिना वो खाली बैठा है ना, वो व्यक्ति है। देखो उद्योगी और आलस दोनों के यहाँ पर हंतर के इस तरह छवि ने बताता है कि उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय सुसमय, ये उद्योगी को सुसमय मिलता है तभी, क्योंकि वो आलस ना बनकर, आलस मन क्या है, सो मेरे खारी, काम के बिना बैठना, उद्योगी को सुसमय मिल जाता है, काम करने वालों को समय अच्छा तरह उपयोग में आता है। समय नष्ट कर कहीं सौ के कोई भी पाता है, पर कवि कहता है कि जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उनको सौ के मने सुख कभी भी नहीं मिलता, उनका जीवन बर्बाद होता है। आलसी कर रहा है सभी बहाने, हालस मने ए व्यक्त से जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, और उन्होंने क्या करता है, बहाने मने हल्के बड़ी तक अंतर दो, एक काम ना करके ए समय को व्यर्थ करता है, और उन्होंने उनका जीवन बर्बाद होता है। जो करना है करो अभी, कल वो क्या जाने। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಾಳಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು, ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡು ಅಂತ. ಜೋಕರ್ನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೋ ಅದು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿಯೇ क्या करना है, समय पर निश्चित काम करके हम आगे बढ़ने से हमारा जीवन सफल होता है। बच्चों देखो, ये समय के साथ हम भी चलना है, काम करते करते बाद में देखेंगे। देखो बच्चों, एक काम करने वाले हाई से अपने काम में मजबूत होते हैं, वो समय को बर्बाद नहीं करने वाले हैं। देखो बाद में देखो, ऐसे ही अपना अपना काम करते समय को सदुपयोग कर रहे हैं लोग। पा सकते हैं फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, कर सकता कब और कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। देखो बच्चे, हम पर पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खोके, इसको मने समय को, खोके मने कल को तकंतर, बीते हुए समय को कोई भी फिर वापस नहीं पा सकते हैं बच्चों। इसलिए हम क्या करना है, मिले समय में ही काम करके समय को सदुपयोग करना है। खोके मने क्या है, बीती हुई समय। चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो, ये चक्रवर्ती मने राजा है, किंग है, यहाँ पर सामान्य आदमी हो या चक्रवर्ती हो, ये कोई हुए समय को वापस नहीं आ सकते है, नहीं प्राप्त कर सकते है बच्चों। कर सकता है कब कौन द्रव्य है इसकी समता, द्रव्य मने क्या है, धन है, धन और ये समय दोनों में तुलना करने से ये समय को बहुत पहला स्थान मिलता है, ऊंचा स्थान मिलता है, क्योंकि समय को फिर हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन धन को कोने से हम धन को वापस ला सकते हैं परिश्रम करके, लेकिन समय को वापस नहीं वो ला सकते हैं बच्चों। फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, इसलिए इसलिए हम क्या करना है, धन की चिंता छोड़कर समय को सदुपयोग करने से धन अपने आप हमारे पास आती है बच्चों। बाद में देखेंगे, यहाँ पर समय समय पर काम करने के लिए यहाँ पर चित्र है। देखो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाद में देखेंगे बच्चों। हाँ यहाँ पर देखो, जीवन ये क्या है, ये मनुष्य के जीवन हंत हंत में आगे बढ़कर आते हैं। पहले जन्म से बालिकाल तक क्या क्या काम करना है, एक काम जरूर करना है, हम पर समय को सदुपयोग करना है, बालिकाल से किशोरावस्था तक जो समय मिलता है उसको भी हम वो उपयोग करना है, और किशोरावस्था से वृद्धावास, ये सभी में, और वृद्धावास से मृत्यु तक जो समय मिलता है उसको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप ये जन्म बालिकाल को
जाने से फिर बालिका नहीं मिलता और किशोर अवस्था को जाने से ये भी नहीं मिलता। एक किस किस आयु में क्या क्या करना है उसको तीन तरह से करके करके आगे बढ़ने से जीवन सार्थक होता है बच्चों। ये चक्र से हमें मालूम होता है समय कितना महत्व है। बच्चे बाद में देखेंगे, समय इसका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही हाँ वो तुम्हारा शुभ जीवन है। कुछ तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। ए समय यहाँ पर समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। ए समय तो ईश मैंने क्या है भगवान, ए भगवान के द्वारा दिया हुआ अनुपम धन है। ये तो ईश भगवान का देन है, एक गिफ्ट है। ये देन मैंने क्या है गिफ्ट है। इसलिए हम क्या करना है समय को सदुपयोग करना है। यही समय ही आओ तुम्हारा शुभ जीवन। ये ईश के द्वारा दिए हुए समय को हम सदुपयोग करने से क्या होता है ये जीवन जीवन में शुभ होता है, जीवन में खुश मिलती है, जीवन सार्थक बन सकता है। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, ये ओ पल मैंने क्या है क्षण मिनट, एक मिनट मिनट भी बहुत ही उपयोगी है बच्चों। ये मिनट को भी हम व्यर्थ नहीं करना है, तुझ नहीं समझना है, तुझ मैंने छोड़ दो उदासी मत करना है। एक मिनट भी बहुत ही उपयोगी है वो जीवन में। पल पल से ही बना हुआ है जीवन को मानो, हमारा जीवन मिनट मिनट से बना है। जीवन में हर एक मिनट ही बहुत ही उपयोग है। वो मिनट पल पल से ही हमारे जीवन को हम श्रीमान बन सकते हैं, श्रीमान बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, देखो बच्चों हमारे हाथ में है समय, ये समय को हम सदुपयोग करना जरूर है, नहीं तो जीवन बर्बाद होता है बच्चों। बाद में देखो, करना है जो काम उसी में चित्ता लगा दो, आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, को कर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे। करना है जो काम, अरे एक व्यक्ति ने एक ना एक करना करना है, लेकिन उसी में चित्ता लगा दो, एक काम करने में चित्ता, चित्ता मने मनसु, ये मन लगा कर काम करना है। बेका बेटी कैसा मारता कंता दला, ये जो काम हम करते हैं उसमें वो मन संपूर्ण मन लगा कर काम करना चाहिए बच्चों। आत्म पर विश्वास करो, एक काम करते समय आत्मविश्वास पर ये हम भरोसा रखना है। आत्मविश्वास से ये समय को उपयोग करके काम करने से हमारे जीवन सार्थक होता है बच्चों। संदेह भगा दो, ये मन में जो संदेह है ये जो अनुमान है उसको हम वो मन से दूर भगाना है बच्चों। भगाना मने दूर करना है, त्याग देना है, संदेह को दूर करके आत्मविश्वास से हम काम करना चाहिए बच्चों। ऐसा समय भला, एक तब एक काम में वो चित्त लगा कर मैंने क्या है मन लगा कर आत्मविश्वास से काम करने से एक सुसमय भला होता है। भला मैंने अच्छा होता है, समय अच्छा होता है, काम भी अच्छा होता है, जीवन सार्थक होता है। कब तुम पाओगे, एक कब हम समय मिलता है वो समय वो काम समय में कहते हैं ना काम चित्त आत्मविश्वास से करना है। को कर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, को कर ये जो समय मिलता है उसको कोने से ना आ समय वरना कल कोड़ोद्रिंद सर्वथा पछताओगे मुंदे जीवन दुख पड़बेकागुत्ते बच्चो। आमेले नोड़ोण, देखो आलसी आलस दरिद्रता का मूल है। कैसे इधर खाली कुत्ते दरिद्रते दरिद्र अन्नोदु बरुत्ते। आलसी का नाम वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। आलसी लोगों को वर्तमान भी नहीं होता है और भविष्य भी नहीं होता है। ए दोनों वर्तमान में और भविष्य में दोनों समय में भी ए समय को व्यर्थ करके उनका जीवन पछताना वो दुख में बीतना पड़ता है बच्चों। देखो बाद में देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने एक स्लोगन यहाँ पर दिया है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद हमें ऐसा
संदेश देता है। हुटो मने क्या है एचरगोली मने क्या है समय बड़ी एचर आयता केस जब तक लक्ष्य हर एक व्यक्ति के लिए एक लक्ष्य होना है, उद्देश्य होना है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है। मत बैठो, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಏಕ ಶ್ಲೋಕನೆ ಆಲಸ್ಯ ಸೆ ಬಡಗರ್ ಅಧಿಕ ಘಾತಕ ಅಧಿಕ समीपति शत्रु कोई और नहीं। यहाँ पर श्लोगन से हमें मालूम होता है आलसी एक शत्रु है। आलस्य शत्रु को कहीं जंग में वो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आलस्य रहता है यही हमारे शत्रु होता है। इसके बाद देखो इतना है बच्चों, वो कविता पढ़ने से हमें मालूम होता है समय ही बहुत ही महत्व है, इसलिए समय को हम सब सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करने से हमारा जीवन सार्थक बनता है बच्चों। जय श्री बोल दे बच्चों।